एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित गोविंदपुर गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 3 किलोमीटर दूर तो जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी मात्र 40 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान शशि देवी हैं। लगभग 1610 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 414 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 441 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 39 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 8 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिमोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 75 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हाँ सर, मैं प्रधानपति बोल रहा हूँ, हुकुम सिंह प्रधानपति रानेट गोविंदपुर। हमारे यहाँ 1-1.5 साल से कोई भी धनराशि नहीं आई है और इतने पर भी मैंने एक सीसी करा दी। नहीं, हमारे यहाँ सजानपुर में कोई खरंजा है, ना सीसी है, ना कोई कर्मशाला है, ना यानी बारात घर है और ना पंचायत घर है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है। हम लोग, हमारे यहाँ के लोग सब परेशान हैं और साहब हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। कोई भी हमारे खाते में, हमारे यहाँ को ग्राम पंचायत में कोई पैसा नहीं आया है अभी तक। अब आगे का साहब जैसे भी है वैसे हमने आपको लिख के दे दिया है जी, ये समस्या है वो आपके लिखवाई थी हमने। जैसे भी आप लोग और सरकार जैसे भी करें, जो भी अच्छे अधिकारी हैं तो जैसे करें, जो निर्णय करें, हमारे यहाँ पर बहुत समस्या है।